जोहार जय मूल्यवासी। एक तरफ भारत चीन की सरहद पर तनाव है तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है, चुनावी माहौल है और उसकी तैयारियां भी चल रही है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर है। इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में जब जब चुनाव हुआ है उससे पहले अन्य देशों द्वारा हमले या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान के हमले हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार से सटे पड़ोसी देश चीन ने हमला किया जिसमें हमारे यानी भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। लोगों में इस बात की चर्चा है कि अगर बिहार में इस वक्त चुनाव नहीं होता तो शायद भारत और चीन के बीच न तो ऐसी नौबत आती और न ही हमारे 20 सैनिक शहीद होते। इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनमत बनाने के लिए, नए मुद्दे उठाने के लिए और साथ ही जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा जानबूझकर हमले करवाए जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि देश की सरकारें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सैनिकों की बलि चढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने मंगलवार को कहा कि एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन देर शाम से आए हुए बयान के मुताबिक 17 अन्य सैनिक शहीद होने की खबर है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी करने वाले 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्होंने दम तोड़ दिया। यहाँ पर उक्त बयान से लगता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि एक बयान में केवल 3 जवानों के शहीद होने की बात कही गई, वहीं दूसरे बयान में कहा गया कि 17 अन्य सैनिकों की मौत हो गई। यह बात लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि 1967 के बाद फिर यह विवाद उसी वक्त क्यों हुआ जब बिहार में चुनाव की तैयारियां चल रही है। बिहार चुनाव के समय पाकिस्तान की ओर से हमला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिहार से सटा हुआ देश पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, इसीलिए चीन के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है। हर बार की तरह बिहार चुनाव से पहले चीन और भारत का विवाद, उपरोक्त घटना में जवानों की मौत और उपरोक्त 2 तरफा बयानों से ऐसा नहीं लगता कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जवानों की बलि दी जा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी इस तरह से खेल खेला जा चुका है, फिर चाहे वो पुलवामा हो या कारगिल हो। चुनाव से पहले ही ऐसी घटनाएं, युद्धजन्य परिस्थिति या आतंकवादी हमले होते हैं और उसी को आधार बनाकर सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव लड़ता है और जीतता भी है। बिहार चुनाव और सरहद पर भारत चीन का जो तनाव चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।